तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा। आपके मन में सवाल होगा कि प्रोग्रेस कंप्यूटर में ऑनलाइन आप लोगों को बोला गया कि आपका मोबाइल में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, इसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है और समझना है कि ताकि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना है और समझना है। तो समझते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को एक व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के थ्रू एक लिंक भेजा जाएगा। व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं या आपको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजेंगे, जैसे आप लोग सेंटर में आएंगे तो फिर उस लिंक को क्या करेंगे, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का गूगल फॉर्म खुलेगा, इसमें सारा क्वेश्चन रहेगा। चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, चाहे डीसीए का कोर्स कर रहे हो 6 मंथ का, चाहे आप टेली का कोर्स कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आपका ऑनलाइन एग्जाम होना रहेगा। इसी तरीके से मोबाइल में होगा, आपको लिंक भेजेंगे, फिर इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आएगा आपका। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका ईमेल आईडी डालना है, वही आईडी डालना है जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था, वही वाला ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। और दूसरा भी नहीं होगा तो आप लोग दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे सही से लिखना है स्पेलिंग को, जैसे आपने दिया था, जैसे आपके आधार कार्ड मार्कशीट में है वैसे ही फिलअप करना है। फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है अपना, उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, किस डेट पर आप एग्जाम दिला रहे हो उसका डेट डालना है, उसके बाद टाइम ऑफ एग्जाम, एग्जाम का टाइम भी डालना है। अलग अलग बैच का एग्जाम हो रहा है, जैसे आपका सुबह के बैच में हो रहा है 7 बजे, तो वहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 00 AM रख देना है सुबह का। दोपहर को हो रहा है तो 2 PM, ऐसे करके जिस बैच पे हो रहा है आपका एग्जाम वहाँ पे टाइम डालना है। उसके बाद अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो, अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो पूछ रहा है, तो आपको एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटो पहले से रेडी करके रखना है। जब एग्जाम दिलाने आओगे तो पहले से आपको अपने मोबाइल में फोटो खींच के रख लिए रहना है। फोटो खींच के रख लिए रहोगे, फिर यहाँ पे एड फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ से गैलरी वाला ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ से अपना फाइल को फोटो को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है यहाँ पे। उसके बाद कोर्स कोड क्या रखना है, कोर्स कोड आप लोगों को सेंटर में बताया जाएगा, वो कोर्स कोड यहाँ पे डालना है, जो आपका कोर्स रहेगा उसके हिसाब से कोर्स कोड बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या डालना रहेगा आप लोगों को, रजिस्ट्रेशन नंबर में आप लोगों को सेंटर में बताया जाएगा या आपके आई कार्ड आपको सेंड किया जाएगा। जैसे एग्जाम होता है तो कुछ दिन पहले आपको आई कार्ड सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख के रख लेना है और वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। आई कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा आई कार्ड। आर यू रेडी टू टेक द एग्जाम, क्या आप रेडी हो एग्जाम दिलाने के लिए, तो हाँ, तो इस पे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से एग्जाम दिला सकते हो, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, जैसे सीपीयू को पूरा नाम क्या होता है, पहले से टिक नहीं लगा रहेगा, आप लोगों को टिक करना है यहाँ पे, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम की आर देयर इन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में मेल करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बिना क्वेश्चन से कि सबमिट बटन करोगे तो सबमिट नहीं होगा, नहीं जानते हो फिर भी आप लोगों को कोई सभी एक टिक लगा देना। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस वाला, इसमें से कोई सभी जो आप लोगों को आता है उसको चॉइस करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 50 क्वेश्चन रहेगा टोटल, जैसे सारा कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, फिर आपका सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। इस तरीके का आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसी तरीके से देना है, तो अच्छा से देना रहेगा आप लोगों को। अच्छा से वीडियो को देख लिया हो तो लास्ट में पूरे किसी को भी नहीं छोड़ना है, किसी क्वेश्चन को सबको फिलअप करते जाना है, ऑप्शन वाइज है, फिर लास्ट में सबमिट बटन कर देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। अगर कोई डाउट मन में रहता है तो सेंटर आके आप लोग पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।